बहुमत से भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, इसमें हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस जीतेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। आपको लोकल मुद्दा कुछ भी नहीं है, मुद्दा एक ही होगा बीजेपी और कांग्रेस, और कांग्रेस से धड़ल्ले से आएगी, इसमें किसी दो राय नहीं है। हमारा टिकट अगर बनता, हम योग्य हैं तो हमें दो, नहीं तो हमारे समाज को कहीं ना कहीं जो योग्य 10 साल 20 साल पार्टी सेवा करिए, तहसील में 10,000 20,000 30,000 वोट है लेकिन टिकट नहीं मिलता हमारे, इसलिए 40 लाख राजस्थान में वोट हैं और इसलिए हमारा हक बनता है कि हमारे जितना 35,000 वोट है तो हमारे समाज को आज तक टिकट नहीं मिला। जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनके आधार पे हमारे गहलोत साहब की सरकार वापस आएगी, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी कह रहा है कि भाई ये रेवड़ी बांट रहे हैं, अरे तो रेवड़ी बांटते हैं तुमने तो अब मध्य प्रदेश में 450 में दे रहे हो तो आप रेवड़ी कहाँ से बांट रहे हो? गहलोत साहब जैसे पूरा भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो गरीब किसान मजदूर और युवाओं के लिए योजनाएं बनाई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर शहर गांव ढाणी सब जगह चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी बातें हैं, चुनावी कार्यक्रम हैं और चुनावी माहौल चल रहा है। इस माहौल के बीच में अलग अलग जगह भाजपा कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, दावेदार जनता से संपर्क में हैं, तो संगठन भी अपना अपना जन समर्थन बढ़ाने के प्रयास में है और इसके हैं। और जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में मुख्य रूप से कांग्रेस के पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री आए हुए हैं, वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की क्या हकीकत है, कांग्रेस की धरातल पर क्या रिपोर्ट है। वह रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आए हैं और प्रत्येक विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे साथ में अभी जैतारण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या मिजाज हैं चुनावी। क्या नाम है सर? मास्टर रामलाल देवासी, जैतारण विधानसभा 116 से टिकट का दावेदार हूँ, मांग रहा हूँ टिकट। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनावी गहलोत सरकार की योजनाएं काम करेगी कि बीजेपी भारी पड़ेगी? सर, गहलोत साहब जैसे पूरा भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो गरीब किसान मजदूर और युवाओं के लिए योजनाएं बनाई है। साहित्य के पूरे आपने जो 25 लाख जैसा बीमा कहीं भारत में नहीं है जो राजस्थान में दिया है, और मोबाइल जिसको गरीबों को सबके लिए मोबाइल दिया जो बच्चों के लिए काम आएगा, गैस जो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी कह रहा है कि भाई ये रेवड़ी बांट रहे हैं, अरे तो रेवड़ी बांटते हैं तुमने तो अब मध्य प्रदेश में 450 में दे रहे हो तो आप रेवड़ी कहाँ से बांट रहे हो? तो जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनके आधार पे हमारे गहलोत साहब की सरकार वापस आएगी, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा भारत में ऐसा जो गांधीवादी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। और इनकी लगता है राजनीतिक दल, जैसे आपने कहा रेवड़ी, तो ये रेवड़ी शब्द तो दोनों ही दल इस शब्द को यूज़ करते हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। सर, ये तो कांग्रेस वाले राजस्थान सरकार ने दी योजनाएं, अब दूसरी भी बीजेपी ले रहे हैं, पहले सबसे ज़्यादा राजस्थान ने दी और उन्होंने कहा ये तो सिर्फ रेवड़ी बांट रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रेवड़ी वास्तव में है क्या? ये गरीब किसान का पैसा और गरीब किसान को मिल रहा है, इसमें रेवड़ी क्या हुई? ये पैसा बीजेपी वाले ये गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसी योजनाएं भाई आप ही जहाँ बीजेपी की सरकार है तो उनको दे आप। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शब्द को लेती है। जैसे एमपी में कांग्रेस उसको यूज कर रही है तो राजस्थान में बीजेपी उसको यूज कर रही है। सब तो ऐसा है कि जब पैसा गरीब किसान मजदूरों का पैसा है और वो पैसा उन गरीब किसानों को सेवा में दे रहे हैं, उन सेवाओं में लगा रहे हैं, जैसे गरीब को अनाज मिल रहा है, तेल लून मिर्च ये सब गरीब को दे रहे हैं, लाइट है जो आप 100 रुपये यूनिट सब के माफ़ कर दिया किसान के लिए। इसमें लोकल मुद्दे काम नहीं करेंगे इसमें साहब? लोकल मुद्दा कुछ भी नहीं है, मुद्दा एक ही होगा बीजेपी कांग्रेस, और कांग्रेस से धड़ल्ले से आएगी, इसमें किसी दो राय नहीं है। और हमारा केवल मुख्यमंत्री की योजनाओं से कांग्रेस जीतेगी या धरातल के विधानसभा के भी कोई मुद्दे रहेंगे? सर, इसमें ऐसा है, सबसे मुद्दा ये रहेगा कि स्थानीय कैंडिडेट हो और 36 कौम से मिलने वाला हो और योग्य हो, 10-20 साल से जो कांग्रेस से जुड़ा हो और सेवा किया हो। पहला मुद्दा तो वो होगा कि स्थानीय कैंडिडेट हो, दूसरा जो सेवाभावी हो और जो कांग्रेस की योजनाएं हैं धरातल में वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ जुड़ करके 36 कौम को साथ लेके ले लेगा तो कहीं शक ही नहीं है सर, बहुमत से भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, इसमें हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस जीतेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। मैं जैसे बीजेपी वालों से मिलता हूं तो बीजेपी वाले दावेदार हो या कार्यकर्ता, वो 100% श्योर है कि हमारी बीजेपी ही जीतेगी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं 100%। ये थोड़ा कन्फ्यूजन ये सर, अपना अपना कॉन्फिडेंस है। एक बात,
मैं मेरा ही बताऊंगा, वो उनका ही बताएंगे। ये तो सब जगह ही होता है, चाहे अपन बिजनेस करो, कुछ भी करो, चाहे अपन तो कहे भाई हमारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वो कहेगा हमारी चीज़ अच्छी है। तो हम तो यही कहेंगे भाई कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए हैं, योजनाएं अच्छी बनाई हैं और गरीबों की सेवा करी है। 70 साल से कांग्रेस एक बार सरकार चला रही है, कुल मिला करके मतलब जनता के हित में और गरीबों के हित में लिए कांग्रेस पार्टी अच्छी है। मतलब तर्क संगत जैसे अगर बात करें, मुख्य रूप से अभी मौजूदा कार्यकाल जो गहलोत सरकार का रहा उसमें कुछ जो योजनाएं हैं वो प्रभावी रहेगी? सबसे प्रभावी तो एक मतलब 25 लाख तक की गरीबों के लिए जो इलाज के लिए जो योजना बनी है चिरंजीवी योजना, सबसे प्राथमिकता उसकी वजह से गरीब का चाहे कैसा भी आदमी उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं तो ये मतलब अवेलेबल नहीं था गरीब के भाई 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लगने के लिए। बाकी चीज़ें तो सब मिल ही रही है, धान ही मिल रही है, दूसरी सरकार है कि वो भी देगी, ये नरेगा भी वो भी चलाएगी, ये भी चलाएगी, पर हिंदुस्तान में 25 लाख का बीमा कहीं भी नहीं किया हुआ। एक बात सबसे प्राथमिकता पार्टी है, संसदीय क्षेत्र है राजसमंद जिला मुख्यालय, इससे पहले कभी आना हुआ? साहब मैं भी लोकसभा, हाँ मैं कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी मांगा था, गोपाल सिंह जी हम दोनों मांग रहे थे, तो गोपाल सिंह को टिकट मिला उससे पहले मैं भी यहाँ दावेदार ईडवा और मैं भी यहाँ दावेदार, इसलिए मैं करीबन 20 बार यहाँ आया हूँ पूरे एरिया में। और मास्टर रामलाल देवासी यहाँ वोट, देवासी समाज के वोट है और हमारे 40 लाख राजस्थान में वोट हैं और इसलिए हमारा हक बनता है कि हमारे जितना 35,000 वोट है तो हमारे समाज को आज तक टिकट नहीं मिला। और इसलिए मैं 2003 से मांग रहा हूँ, 2008 से मांग रहा हूँ, 2013 से मांग रहा हूँ, 2018 से। सिरोही साइड में तो मिल बीजेपी, अच्छा कांग्रेस से? कांग्रेस से सिर्फ पूरा 40 लाख जनसंख्या के आधार पर एक रतन जी और बीजेपी एक दे रही है, कांग्रेस भी एक दे रही है। इसलिए जोधपुर ने हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन किया, उसमें आपको देखा होगा इतने 37 हुआ कि हमारे जनसंख्या के आधार पर हमें टिकट देना चाहिए और हमारा टिकट अगर बनता हम योग्य हैं तो हमें दो, नहीं तो हमारे समाज को कहीं ना कहीं जो योग्य 10 साल 20 साल पार्टी की सेवा कर रही है, तहसील में 10,000 20,000 30,000 वोट है लेकिन टिकट नहीं मिलता है। इसलिए समाज कभी बीजेपी में जाती है कभी कांग्रेस में जाती है। अब की बार हमें विश्वास है कि टिकट मिलेगा तो 40 सीटों में मेरा जितना एक टिकट मिलता है 40 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा समाज के। भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ समाज का, जिला सचिव कांग्रेस का रहा हूँ और 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, 3 में मांगा ठीक है। समाज का मुख्य रूप से महाकुंभ हुआ, देवासी समाज के ये जैतारण के कार्यकर्ता थे और जैतारण की बातें कर रहे हैं कि किस तरह से ये जैतारण मुख्य रूप से जैतारण के देवासी समाज हैं और देवासी समाज द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये आने वाले वक्त में कितना प्रभाव पार्टी पर छोड़ पाते हैं, कितना प्रभाव क्षेत्र में छोड़ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनकी बातें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।